जी आपको पता है वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है जी, जिसके अंदर हमने पढ़ा रेस कंडीशन पढ़ी, हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन किस तरीके से अचीव कर सकते हैं हम, वो चीज़ पढ़ी हमने, ठीक है, हमने सीमाफोर्स पढ़े, ठीक है जी। तो टुडे वी आर प्रोसीडिंग फर्दर विद क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। उसके अंदर जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है, दैट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर कौन है जो प्रोड्यूस करता है? क्या डेटा? जाहिर सी बात है, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, तो डाटा ही प्रोड्यूस होगा, डेटा ही कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये बात है उन प्रोसेसेस के लिए विच आर शेयरिंग द शेयर्ड रिसोर्सेज, विच आर वर्किंग ऑन द शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है जी। तो जिसके अंदर शेयर्ड मेमोरी होती है, शेयर्ड बफर होता है, शेयर्ड अदर रिसोर्सेज होते हैं, ठीक बोला है जी। द प्रोसेसेस विच आर शेयरिंग द कॉमन रिसोर्सेज, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। जो प्रोसेसेस जो कॉमन बफर शेयर कर रहे हैं, कॉमन मेमोरी शेयर कर रही है, तो वहां पे क्या होता है, एक तो डिवाइस, फॉर एग्जांपल टू प्रोसेसेस है और आपके पास एक कॉमन शेयर बफर है, तो एक प्रोसेस तो क्या कर रही है, जो बफर है उसके अंदर डेटा को पुट कर रही है, ठीक है जी, यानी कि स्टोर करवा रही है। बफर क्या है? एक इंटरमीडिएट स्टोरेज, जब भी कोई दो डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके बीच में एक बफर होता है, ठीक है, ताकि उनकी स्पीड को मैच करवा सकें उस बफर को यूज करके, उस बफर स्पेस को यूज करके, ठीक है। तो इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन होती है पहले बफर में जाती है, बफर से फिर आगे दूसरे डिवाइस के पास। तो जब दो प्रोसेसेस एक बफर को शेयर करने लग रही है, तो एक प्रोसेस क्या करेगी, बफर के अंदर इंफॉर्मेशन डालेगी, दूसरी क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को बाहर निकालेगी, यानी कि कंज्यूम करेगी उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि एक शेयर्ड रिसोर्स एक ही लोकेशन के ऊपर है, एक इंफॉर्मेशन डालने लग रही है और एक इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने लग रही है, ठीक है। तो अब क्या हो कि बफर जो है वो फुल हो जाए, ठीक है जी, बफर इज फुल, और आपका जो प्रोड्यूसर है वांट्स टू पुट द इंफॉर्मेशन, जो प्रोड्यूसर का तो काम है, जो प्रोड्यूस कर रहा है इंफॉर्मेशन, वो तो अपने इंफॉर्मेशन जैसे प्रोड्यूस होगी वो उस बफर में पुट करता जाएगा। तो अब बफर फुल हो गया और प्रोड्यूसर इज ट्राइंग टू पुट मोर इंफॉर्मेशन इनटू द बफर, बट लॉजिकली दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वहां पे क्या होगी, वहां पे द प्रॉब्लम विल अराइज। अनदर सिचुएशन क्या होगी, सपोज द बफर गेट्स एम्प्टी, बफर क्या हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, प्रोड्यूसर की स्पीड स्लो थी, कंज्यूमर की स्पीड फास्ट थी कंज्यूम करने की, तो बफर क्या हो गया जी, एम्प्टी हो गया। अब कंज्यूमर वांट्स टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बफर, बट द बफर इज एम्प्टी, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो वहां पर भी प्रॉब्लम अराइज होगी, यानी कि अगर फुल बफर के अंदर प्रोड्यूसर वांट्स टू पुट द इंफॉर्मेशन, देन देयर इज अ इश्यू, एंड इफ एम्प्टी बफर इज देयर, एंड वहां से अगर कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम द इंफॉर्मेशन, देन द प्रॉब्लम इज देयर। तो इस सिचुएशन को जो क्या कहते हैं हम, इस सिचुएशन को हम कहते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन तो क्या है कि भाई व्हेन द प्रोड्यूसर सीज ए फुल बफर, जब बफर फुल है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर गोज टू स्लीप मोड, ठीक है जी। यानी कि जो स्लीप और वेक जो हमने जो पढ़े थे पीछे, एक मेथड पढ़ा था हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने के लिए, कि हम दो वेरिएबल्स यूज कर सकते, एक स्लीप और एक वेक। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर बफर फुल है तो क्या करेगा, प्रोड्यूसर वे स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है, और जब कंज्यूमर उसमें से आइटम टेकआउट करेगा, कंज्यूम करेगा, तो जैसे ही आइटम उसमें से बाहर निकालेगा इंफॉर्मेशन, तो बफर फ्री हो जाएगा। तो जब फ्री हो जाएगा तो क्या करेगा, वो जो प्रोड्यूसर है उसको क्या कर देगा, अवेक कर देगा कि भाई अब सो मत, अब बफर खाली हो गया है, और यू जस्ट पुट द इंफॉर्मेशन इनटू द बफर। सेम प्रोसेस कंज्यूमर के केस में होगी, इफ द कंज्यूमर सीज द एम्प्टी बफर, अगर उसको बफर एम्प्टी मिलता है तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा जी, स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है जी। फिर क्या होगा, प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन पुट करेगा बफर के अंदर, तो जैसे ही प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन पुट करेगा इंफॉर्मेशन बफर में,
तो उसको पता चलेगा कंज्यूमर इज स्लीप इन स्लीप मोड, तो वो कंज्यूमर को क्या कर देगा, अवेक कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए वी विल यूज ए काउंट वेरिएबल। ठीक है जी, काउंट वेरिएबल यूज करेंगे ताकि जो रेस कंडीशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है उसको हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या है, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द बफर विच स्टोर्स इन एन, यानी कि जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन स्टोर कितनी कर सकता है बफर, एन कर सकता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या चेक करेगा कि जी काउंट इज इक्वल टू एन है या नहीं है। ठीक है जी, अगर काउंट एन है, ठीक है, तो क्या करेगा, काउंट एन का मतलब क्या है, एन इज द मैक्सिमम लिमिट, यानी कि बफर क्या है, फुल है। ठीक है, तो क्या करेगा जी, प्रोड्यूसर स्लीप मोड में चला जाएगा, द प्रोड्यूसर विल गो इनटू स्लीप मोड। अदरवाइज क्या करेगा, इट विल ऐड द आइटम। ठीक है जी, वो क्या करेगा, बफर के अंदर आइटम ऐड कर देगा, इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा, और क्या कर देगा, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा बाय वन। ठीक है जी, सेम इज द केस विद द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या करेगा, अगर कंज्यूमर को कोई इंफॉर्मेशन रिटेव करनी है तो पहले वो काउंट की वैल्यू को चेक करेगा, इफ द काउंट इज जीरो। ठीक है जी, काउंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो, यानी के देयर इज नो आइटम इनटू द बफर इज एम्प्टी। तो क्या होगा जी, कंज्यूमर विल गेट इनटू द स्लीप मोड। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो अदरवाइज इट रिमूव्स एन आइटम, यानी कि वो क्या कर लेगा, इट विल कंज्यूम द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बफर एंड इट डिक्रीमेंट्स काउंट बाय वन, और जो काउंट वेरिएबल उसकी वैल्यू क्या कर देगा, एक डिक्रीमेंट कर देगा जी। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर वही दिखाया, एक एन की वैल्यू दिखाई है, डिफाइन एन। ठीक है, एक काउंट वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है, उसके बाद एक प्रोड्यूसर फंक्शन ले रहे हैं हम, एक उसके अंदर इंट आइटम दिया, फिर वाइल लूप चलाएंगे कब तक, जब तक उसके अंदर क्या चेक करेंगे, जब तक कि वाइल ट्रू है कि आइटम इज इक्वल टू प्रोड्यूस आइटम। ठीक है जी, यानी कि आइटम क्या करेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा इफ इफ काउंट इज इक्वल टू एन, अगर काउंट की वैल्यू एन है तो स्लीप मोड में चला जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, इंसर्ट आइटम। तो वो क्या करेगा जी, आपके बफर के अंदर ये जो आइटम जब हमने लिया है, ये क्या है, एक बफर है, इसके अंदर क्या कर देगा, आइटम इंसर्ट कर देगा जी। ठीक है जी, और क्या करेगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, काउंट की वैल्यू बढ़ा देगा। इफ काउंट इज इक्वल टू वन तो क्या करेगा, कंज्यूमर को वेकअप कर देगा। ठीक है जी, कि भाई डेटा आप उसमें से पिकअप कर लो। सेम विद द कंज्यूमर, ठीक है, क्या करेगा, वही आइटम वही चीज, सिर्फ काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की जगह जीरो, यानी कि अगर काउंट जीरो है तो स्लीप मोड में चला जाएगा, नहीं तो क्या करेगा जी, आइटम ये रिमूव कर लेगा बफर में से और काउंट की वैल्यू पे एक डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, फिर क्या चेक करेगा, इफ काउंट इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो वेकअप कर देगा किसको, प्रोड्यूसर को, कि जी एक जगह खाली हो गई है और आप अपना वेकअप हो जाओ, और जो वो क्या कर लेगा, आइटम को कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूमर कंज्यूम आइटम बफर, यानी बफर में से आइटम को कंज्यूम कर लेगा इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये मेथड यूज होता है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को हम क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। ठीक है जी, तो यही जो सारी प्रोसेस हमने बताई है, यही सारी चीज इसके अंदर बता रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या कहती है जी, ठीक है, कि देर आर फाइव फिलोसोफर्स, ठीक है जी, विच आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल है, उसके पास पांच फिलोसोफर बैठे हुए हैं जी। ठीक है जी, और सभी को क्या है, एक एक प्लेट ऑफ स्पेगेटी दी हुई है जी। ठीक है, अब ईच नीड्स टू फोक्स टू ईट इट, सबको जाहिर सी बात है स्पेगेटी खाने के लिए दो फोक तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो एवरीवन नीड्स टू फोक्स, लेकिन क्या है,
हर एक प्लेट के बीच में एक फोर्क रखी हुई है, ठीक है, यानी कि टोटल क्या है, 5 फोर्क्स अवेलेबल है, जबकि टोटल 5 फिलोसोफर बैठे हैं, तो हम 10 फोर्क चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करवाना है जी, हमें सबको स्पेगेटी खानी है, ठीक है, कोई भी ओल्ड पे ना, ऐसा ना रहे कि किसी को किटर ना आए, या कोई एक जिसने 2 चम्मच उठा ली वही खाने लग रहा है, एंड तक दूसरे का नंबर ही नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं हो रही। तो ये दैट इज द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, कि भाई 5 फिलोसफर सिटिंग एंड दे रिक्वायर 10 फोर्क्स बट हैविंग ओनली 5, तो हाउ डू वी रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, ये भी करेंगे। तो जी फिलोसफर के बारे में क्या कहा है जी, उसको दो काम है, फिलोसफर को दो काम दिए हैं, फिलोसफर की फिलोसफर है तो एक तो वो सोचने का काम करेगा, फिलोसफर का काम सोचने का ही होता है, दूसरा काम क्या करेगा जी, अब सामने स्पैगेटी रखी है तो उसको खाने दिए, यानी कि ईट एंड थिंक, ठीक है जी। तो क्या होगा, व्हेन ए फिलोसफर इज हैंग्री, जब एक फिलोसफर हैंग्री है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, लेफ्ट और राइट फोर्क उठाएगा, मतलब पहले या तो लेफ्ट उठाएगा राइट उठाएगा, एक फोर्क उठाएगा, ठीक है, फिर दूसरी उठाएगा। तो जब पहले एक उठाएगा, अब दूसरी अवेलेबल है या नहीं है ये किसको पता है, वो तो जब दूसरे उठाने की कोशिश करता पता चलेगा ना, लेकिन वो ईट तभी कर सकता है जब दोनों फोर्क उसके पास हो, ठीक है जी। और जब वो ईट कर लेगा तो क्या कर देगा जी, वो फोक्स को वापस रख देगा और थिंकिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है जी। तो सिनेरियो को समझ गए, पूरा कंसेप्ट को, 5 फिलोसफर्स हैं एक टेबल राउंड टेबल के ऊपर, ठीक है जी, उनका काम सोचने का और खाने का है, उनके सामने स्पैगेटी रखी है, 5 प्लेट और 5 ही फोर्क है, ठीक है जी। तो सबको ऐसा प्रॉब्लम अराइज नहीं होनी चाहिए कि दो को साइमल्टेनियसली भूख लगी है और दोनों को फोर्क चाहिए तो फोर्क मिलेगी नहीं, कैसे मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बनानी है कि एक खाए तो दूसरा, उनके पड़ोसी हैं वो, दे आर बिजी इन थिंकिंग, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल टू हैव ए सॉल्यूशन सो दैट नो फिलोसफर विल बी अनोयड, ठीक है जी। तो क्या कहता है कि हमें ऐसी सिचुएशन फाइंड आउट करनी है, ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि भाई कोई भी फिलोसफर है वो अनोयड ना हो। एनोइड का मतलब ये है कि जब उसकी टर्न ईटिंग की आए तो वो ईट करे, और जब उसकी थिंकिंग आए, थिंकिंग की टर्न आए तो वो थिंकिंग करे, ठीक है, ठीक है जी। ये भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जी फिलोसफर क्या कहता है कि फिलोसफर विल वेट अंटिल इट्स डिजायर्ड फोर्क इज अवेलेबल, जब तक उसकी डिजायर्ड फोर्क अवेलेबल नहीं होती तब तक वो क्या करेगा, वो वेट करेगा, और जब वो अवेलेबल होगी तो उसको ग्रैब कर लेगा, ठीक है जी। तो व्हाट इफ द 5 फिलोसोफर टेक्स देयर लेफ्ट फोर्क साइमल्टेनियसली, अब सभी ने अपनी लेफ्ट फोर्क एक साथ साइमल्टेनियसली उठा ली तो क्या हो जाएगा, किसी को भी राइट फोर्क मिलेगी नहीं, और किसी को भी राइट फोर्क मिलेगी नहीं तो क्या होगा, सिस्टम विल बी इन डेडलॉक स्टेट, ठीक है। तो डेडलॉक स्टेट में हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ना तो फोर्क खा सकता, ना तो कोई भी ईट कर पाएगा, और जब ईट नहीं कर पाएगा तो ना थिंकिंग कर पाएगा, यानी कि सिस्टम इज डेडलॉक्ड, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हमें अवॉइड करना है। डेडलॉक क्या होता है कि जहां पे सिस्टम कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, टोटली इन हॉल्टेड स्टेट, जिसको आप हैंग बोलते हो, कि सिस्टम हैंग हो गया, या कि डेडलॉक का पूरा टॉपिक आएगा, इससे नेक्स्ट डेडलॉक ही है, ठीक है। तो डेडलॉक में चला जाएगा जी। तो फिर क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा जी, आफ्टर टेकिंग द लेफ्ट फोर्क, तो फिलोसोफर लेफ्ट फोर्क टेक कर लेगा, उसके बाद चेक करेगा कि इफ इट्स राइट फोर्क इज अवेलेबल, ठीक है जी, वो चेक करेगा क्या राइट फोर्क अवेलेबल है, इफ इट्स नॉट, अगर अवेलेबल नहीं है राइट वाली तो क्या करेगा, वो लेफ्ट को भी वापस रख देगा जी, क्योंकि एक से दूसरा काम चलना ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेगा, वो लेफ्ट को भी वापस रख देगा और कुछ समय के लिए क्या करेगा, वेट करेगा, वेट फॉर सम टाइम, और फिर क्या करेगा, दोबारा से वही लेफ्ट फोर्क उठाएगा और फिर चेक करेगा राइट फोर्क है या नहीं, ठीक है। अगर राइट फोर्क मिल गई तो हिट करना स्टार्ट कर देगा, नहीं मिली तो वो फिर से वापस रख देगा लेफ्ट को, ठीक है, ताकि कोई दूसरा तो उसको यूज कर पाए, ठीक है।
तो क्या होगा, व्हाट इफ ऑल फिलोसोफर्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली, अगर ये प्रोसेस भी सारे के सारे एक साथ करने लग जाएंगे तो क्या होगा, तो भी उनको राइट फॉर्म नहीं मिलेगी और तब ये कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्टारवेशन, क्योंकि कोई भी खा नहीं पा रहा तो भूखे मर गए ना सारे, ठीक है, तो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्टारवेशन, तो स्टारवेशन का इश्यू आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यूजिंग रैंडम स्टार्ट टाइमर्स कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन ये भी कोई फाइनल एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, लेकिन एक रैंडम स्टार्ट टाइम हम टाइमर लगा देंगे कि इस टाइमर के ऊपर क्या करेगा पर्टिकुलर फिलोसफर है, वो क्या करेगा, एट करेगा, इस पर्टिकुलर टाइम का फिलोसफर थिंकिंग करेगा, ठीक है। तो जो ये सेम जो कंसेप्ट है, ये जो आपके इथरनेट लेंस होते हैं उनके अंदर यही कंसेप्ट होता है, ठीक है, ये इसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, आपका एक कनेक्शन है, उसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, अब सारे नेटवर्क एक ही है, उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, सेम इशू अराइजेस कि भाई नेटवर्क फ्री है या नहीं है एट द मोमेंट आप कोई भी डाटा सेंड करना चाहते हो या रिसीव करना चाहते हो, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन टू द डायनेमिक फिलोसोफर प्रॉब्लम, कि आप एक टाइमर यूज करके और फिर वो क्या करे, वो चेक करे फॉक्स को लेफ्ट एंड राइट को, और इस तरीके से उनका काम वो थिंकिंग एंड ईटिंग का चलेगा, लेकिन इसके अंदर देर आर चांसेस ऑफ फेल्योर, चांसेस ऑफ फेल्योर तो होते हैं, आप नेटवर्क भी यूज करते हैं तो उसके अंदर भी कई बार नेटवर्क फेल्योर आ जाता है, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी तो इसके अंदर रहेगी रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, देर इज ए सोल्यूशन दैट विल स्टॉप डेडलॉक एंड स्टारवेशन, क्या सोल्यूशन है जी वो, When philosopher wants to acquire a fork, एक philosopher जब acquire करना चाहता है fork को, so he downs mutex, एक mutex function हम use करेंगे, mutex variable हम use करेंगे, ठीक है, तो वो mutex को क्या कर देगा, down कर देगा जी, ठीक है, जब भी उसको एक fork acquire होगी, और जब वो उस fork को release करेगा तो mutex की value क्या कर देगा, up कर देगा, तो इसका उससे क्या होगा कि जो एक बार जो अक्वायर कर लेगा, तो इसका मतलब भाई उसने फोर्क ले रखी है तो उसको दूसरे फोर्क भी मिलनी चाहिए, तो वो उस हिसाब से क्या हो गया, वो अपना फोर्क लेता रहेगा, तो दूसरा जो पड़ोसी जो फिलोसफर है वो क्या करेगा, वो म्यूटेक्स की वैल्यू चेक करेगा, ठीक है, अगर वो डाउन है तो इसका मतलब वो फोर्क अवेलेबल नहीं है, तो वो अपना थिंकिंग का काम कंटिन्यू रखेगा, ठीक है, और जब वो म्यूटेक्स अप होगा तो वो क्या कर लेगा, फोर्क अक्वायर कर लेगा, लेकिन इसके अंदर होगा क्या, क्योंकि हमारे पास पांच ही फोर्क हैं, ठीक है, तो टोटल पांच फिलोसफर में से एट ए टाइम ओनली टू फिलोसफर्स कैन ईट, ठीक है, क्योंकि दो दो चाहिए ना, तो चार लास्ट में एक बचेगी तो उसको तो यूज कर नहीं सकते, तो बेस्ट जो मैक्सिमम क्या है, एक बार में दो फिलोसफर ईट कर सकते हैं, ठीक है, इस सॉल्यूशन के थ्रू। उसके बाद क्या है जी, आवर लास्ट सॉल्यूशन विल बी डेडलॉक फ्री एंड अचीव मैक्सिमम पैरेललिज्म, इसके अंदर क्या है, ए फिलोसफर विल हैव थ्री स्टेट्स, ईटिंग, थिंकिंग और हंग्री, ठीक है जी, ईटिंग, थिंकिंग और हंग्री, तीन स्टेट्स डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है, हंग्री स्टेट क्या है, जिसके अंदर ही इज ट्राइंग टू अक्वायर द फोक्स, तो फिलोसफर क्या करेगा, विल मूव टू ईटिंग स्टेट ओनली इफ नन ऑफ द नेबर्स इज ईटिंग, ठीक है जी, तो क्या करेगा, कोई भी फिलोसफर जब ईट करेगा तो तभी ईट करेगा जब नन ऑफ द नेबर्स इज ईटिंग, उनमें से कोई भी नेबर, उसका ना लेफ्ट नेबर ना राइट नेबर ईट नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो फोर्क लेगा और उनको ईटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर ओनली नीड इज दैट ईच फिलोसफर विल हैव इंडिविजुअल सेमाफोर्स, इसके अंदर सेमाफोर्स यूज कर रहे हैं हम, तो सेमाफोर की वजह से क्या होगा, वो चेक करेगा कि लेफ्ट एंड राइट जो है वो फ्री है या नहीं है, अगर वो हिट नहीं कर रहे तो फोक्स फ्री हैं और आप उनको हिट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसके अंदर सीमाफोर है वो एक फोर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, तो ये क्या कह रहा है, ए फोर्क कैन बी पिक्ड अप बाय एग्जीक्यूटिंग ए वेट ऑपरेशन ऑन द सीमाफोर, एक वेट ऑपरेशन हम लगाएंगे, ठीक है, एंड रिलीज, तो जब आपने फोर्क पिक की है तो वहां पे वेट
ठीक है, और जब आप उसको रिलीज करोगे तो भाई ये सिग्नल, यानी कि जब आपके पास फोर्क होल्ड हो गई तो आपने वेट सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया है कि भाई बाकी सब क्या, बाकी जो उसके लेफ्ट राइट जो पड़ोसी हैं वो क्या करेंगे, वेट। और जो अगर आपने सिग्नल रिलीज कर दिया तो इसका मतलब है यू हैव रिलीज द फोर्क एंड अदर वन कैन यूज द फोर्क टू ईट। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो सेमाफोर के एक जो फोर्क की वैल्यूज हम क्या ले रहे हैं, एक एरे ले रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू क्या है फोर्क की, 5। ठीक है, इनिशियली द एलिमेंट्स ऑफ द फोर्क आर इनिशियलाइज टू 1। सबसे पहले फोर्क की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और एक एक करके वो फिर उठाता है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रैंडम फिलोसफर आई, जो रैंडम फिलोसफर जो चूज होगा उसकी वैल्यू जो है उसके लिए कोड गिवन है कि क्या है, वाइल लूप, डू वाइल लूप लगाई हमने, क्या डू वेट फोर्क आई, यानी कि वेट करे फोर्क आई के लिए। ठीक है जी, दूसरा क्या है फिर, वेट फोर्क आई प्लस 1% 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है कि भाई 5 जो फिलोसफर है उनमें से प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी वेट करने की, कितनी देर के लिए वेट करना है, क्योंकि 5ों के टर्न आ रहे हैं ना, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे हम तो उसका मोड निकल आएगा, तो वहां पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कितनी देर के लिए उनको वेट करना है। ठीक है, ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे, वेट के बाद ईटिंग द राइस, जो आपकी स्पेगेटी उसको ईट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ईटिंग के बाद क्या हो जाएगा, आपका सिग्नल कर देगा, सिग्नल को अप कर देंगे। ठीक है, जो सिग्नल वेरिएबल है उसके अंदर क्या कर रहा है कि फोर्क जो मैंने रिलीज कर दी। ठीक है, और उसके बाद क्या चला जाएगा, वो थिंकिंग मोड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वाइल 1, यानी कि एक बार तो एग्जीक्यूट होगी होगी, इसलिए हमने डू वाइल जो आपकी लूप है वो यूज की है, ना कि वाइल लूप। ठीक है, यानी एक बार तो टास्क परफॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो भी उठाएगा तो उसको तो दोनों फोर्क मिलेंगे मिलेंगे, उसके बाद फिर से वो क्या होगा, वो प्रोसेस रिपीट होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, द फर्स्ट वेस्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द फोर्क एंड फोर्क आई प्लस 1, दिस मीन्स दैट फिलोसोफर आई हैज पिक्ड अप द फोर्क ऑन इट्स साइड्स, देन द ईटिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, यानी कि उसने पहले एक फोर्क तो उठाई उठा ली, दूसरी बात फोर्क को कब उठाएगा वो, तो 5 में से वो देखेगा कि भाई वो फ्री है या नहीं है। ठीक है, किसी का कोई वेट सिग्नल तो नहीं है। ठीक है, तो वो होने के बाद क्या करेगा, वो ईटिंग करेगा, उसके बाद वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा फोर्क को। इसकी सबसे इसकी डिफिकल्टी सिर्फ यही है कि अगर दो पड़ोसियों को एक साथ खाना है तो वो नहीं खा सकते इसके अंदर। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है, लेकिन इसके अंदर कभी भी डेड लॉक अकर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पहले वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, वेट एंड सिग्नल हमने दो वेरिएबल्स लगा दिए हैं कि भाई जब तक वेट करेगा जब तक कि दोनों फोर्क उसको ना मिल जाए। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, उनको रिलीज करेगा तो सिग्नल दे देगा, तो पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि भाई फोर्क रिलीज हो चुकी है और आप वो ईट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, ये हम पढ़ेंगे बाद में। अभी तक किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं।